विधानसभा चुनाव को लेकर हर प्रत्याशी अपने अपने हलके में प्रचार के लिए जुट गए हैं। वहीं मंडी सदर से कांग्रेस प्रत्याशी चंपा ठाकुर भी मैदान में उतर गई है और उन्होंने कोटली बाजार में कई स्थानों में जाकर अपने पक्ष में वोट मांगे और साथ ही उन्होंने कोटली में कांग्रेस कार्यालय का शुभ आरम्भ भी किया। हमारा कांग्रेस ऑफिस खुला कोटली में, इसमें आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और जो यहाँ हमने इंचार्ज बनाया हुआ है इनका भी मैं स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। एक छोटे से मैसेज के ऊपर जो है इन्होंने ये हर चीज मैनेज की और अरेंज की, क्योंकि ये जो काम होता है ये कार्यकर्ता का होता है, क्योंकि हम तो एक मोहरे होते हैं, आप लोगों ने ही मेहनत करनी है, क्योंकि वो भी मेरी ड्यूटी है कि कल दिन को मैं आपको भूल ना जाऊं, है ना। इसलिए मैं चाहूंगी सभी अपने कार्यकर्ता से कि ये बहुत बड़ा बीड़ा है, आप लोगों ने सहयोग करना है, काम करना है। ये टिकट मेरा नहीं है, तुम्बल घाटी के लोगों का है। पीछे भी मैंने 12-15 सालों से सेवाएं दे रही हूँ, आगे भी मैं चाहूंगी इसी तरह से। मैं ग्रामीण क्षेत्र की बेटी हूँ, बहू हूँ मैं क्षेत्र की, आप लोगों ने सभी ने सहयोग करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोल स्टार टीवी, मंडी।